कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। वहीं न्याय यात्रा का नेतृत्व करते हुए महाराष्ट्र के नासिक पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान महासभा को संबोधित किया। इस सभा में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता भी नजर आए। सभा के दौरान कांग्रेस सांसद ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर करार हमला किया है, तो क्या कहा राहुल ने, कौन कौन हुआ इस यात्रा में शामिल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाले दो दिनों में समाप्त हो जाएगी। यात्रा के अंतिम दौर में यात्रा को बढ़ चढ़ कर समर्थन मिल रहा है। यात्रा में जनता की भीड़ तो पहले से ही नजर आ रही थी और अब इंडिया गठबंधन ने भी यात्रा को अपना पूरा सहयोग दे दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ये यात्रा आज नासिक में रही। कांग्रेस सांसद ने चांदवाद में किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी राज में किसानों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाई। कहा, किसानों के दुख को समझे बिना की मदद नहीं की जा सकती है। राहुल ने किसान न्याय देने की बात भी कही। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसान को चोट दी जा रही है तो दवा भी लगानी होगी, इसीलिए कर्ज माफी, फसल का सही दाम, MSP की गारंटी और फसल बीमा योजना व GST को सही तरीके से लागू करना ही सही दवाई होगी। कांग्रेस नेता के संबोधन के बाद कांग्रेस ने किसानों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की, जिसके तहत MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार MSP तय होगी। किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना होगी। किसान की फसल के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में परिवर्तन होगा। कृषि उत्पादों के लिए एक आयात निर्यात नीति लागू होगी, जिसमें किसानों के हित सर्वोपरि होंगे। किसान GST मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स से छूट के लिए GST में संशोधन होगा। आपको बता दें कि आज इस सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ NCP प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कहा कि हम सभी साथ मिलकर अन्नदाताओं को न्याय दिलाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को महाराष्ट्र के लिए रोशनी बताते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों की बात सुनते हैं, उन पर अपनी बातें थोपते नहीं हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।